अगर आप कोई ए आई आई ढूंढ रहे हो ना अपने हाई एंड हाई कोर प्रोसेस के लिए लाइक राइजन 9 1500X 7900X या फिर इंटेल का 13th gen 12th gen जैसे प्रोसेस के लिए, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि इस तरह का जो प्रोसेस है इसके लिए 240M का ए आई ओ इनफ नहीं होता है। और मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे 360M ए आई ओ देखने को मिल जाता है एंड ऑलमोस्ट सारे ही कंपनीज जो है अच्छे क्वालिटी का ए आई ओ बनाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आता है जब आप कोई थीम बेस्ड पीसी बना रहे हो या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत एस्थेटिक में ध्यान दे रहे हो अपने पीसी बिल्ड में, क्योंकि जो रेडिएटर का डिजाइन है वो ऑलमोस्ट आपको सारे ही ब्रांड्स का सेम देखने को मिल जाएगा। वही ब्लैक कलर का रेडिएटर, वही आपका स्लिम डिजाइन में देखने को मिल जाता है, एक्सेप्ट लियानली का जो रेडिएटर है वो आपको सिल्वर ब्रश फिनिश में देखने को मिल जाता है, विच लुक्स रियली अट्रैक्टिव। वो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स, थोड़ा क्या 3-4 हज़ार रुपए ज्यादा कॉस्ट करता है। बट जो आपके बिल्ड में मेन एस्थेटिक आता है वो आता है आपका पंप डिजाइन से। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक बहुत ही यूनिक सा AIO, एक बहुत ही क्वालिटी ब्रांड की तरफ से। दिस इज द एंटेक वॉर्टेक्स 360। इस AIO के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि ये एक न्यूली रिलीज्ड AIO है एंड दिस इज द 360M वेरिएंट। इसका 240M वेरिएंट भी आता है और आप देख सकते हो इसका जो पंप डिजाइन है ये आपको बहुत ही यूनिक डिजाइन में देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चलकर बात करने वाले हैं। ये 360mm AIO पॉकेट फ्रेंडली भी है, लाइक 10,000 rupees का कॉस्टिंग है इसका, साथ में बहुत ही एक यूनिक सा लुक के साथ आता है एंड परफॉर्मेंस, भाई इसके बारे में हम लोग परफॉर्मेंस सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप हमारे चैनल पर नए हो, साथ में इस वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको इस वीडियो वाला वीडियो पसंद आता है तो। एंड अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट द ब्रांड न्यू एंटेक वॉर्टेक्स 360। एंटेक वॉर्टेक्स 360 के साथ आपको इसका बॉक्स में सारे ही रिक्वायर्ड चीज इतना मिल जाता है इस AIO को किसी भी तरीके सॉकेट में माउंट करने के लिए विद सेपरेट थर्मल पेस्ट। साथ में आपको 3 एंटेक फ्यूजन ARG फैंस देखने को मिल जाता है एंड अगर आपको रिंग स्टाइल के ARG फैंस पसंद है देन आई कैन टेल यू दैट ये जो ARG फैंस है ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। प्लस ये काफी हाई क्वालिटी एंड हैवी फैंस है। आपको यहाँ पर एक छोटा सा ARG कंट्रोलर भी देखने मिल जाता है मैग्नेटिक, इनकेस अगर आपका मदरबोर्ड में ARG कंट्रोलर या फिर हेयर नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। साथ में एंटेक ने यहाँ पर फैन स्प्लिटर भी इंक्लूड करा है इस AIO के साथ, विच इज ग्रेट क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो है अपने AIOs के साथ फैन स्प्लिटर नहीं देते हैं जो कि बाद में जाकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है व्हेन बिल्डिंग द पीसी। लेट्स टॉक अबाउट कंपैटिबिलिटी कि आप इस AIO को कौन से CPUs के साथ यूज कर सकते हो। तो एंटेक वॉर्टेक्स 360 लगभग सारे ही CPUs को सपोर्ट करता है, चाहे आप इंटेल की बात कर रहे हो, AMD की बात कर रहे हो, AMD का M3, M4, M5, इवन TR4 सॉकेट्स को भी ये सपोर्ट करता है। तो आप प्रेटी मच एनी AMD बिल्ड के साथ आप इस AIO को यूज कर सकते हो। बात करें इंटेल की तो आप यहाँ पर प्रेटी मच इंटेल का भी बहुत सारे CPUs के साथ आप इस AIO को यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग 12th एंड 13th जनरेशन प्रोसेसर्स जो कि एकदम लेटेस्ट है। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं 13th जनरेशन की तो 13th जनरेशन जो है काफी ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो उस तरीके का प्रोसेस के लिए भी आप एंटेक वॉर्टेक्स को बहुत ही आसान से यूज कर सकते हो। जैसे कि ये एक बजट AIO है तो यहाँ पर आपको 3 years का वारंटी देखने को मिल जाता है ऑन द AIO, विच इज गुड इनफ क्योंकि 10,000 रुपए 3 साल चलाओगे भाई वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड उससे भी ज्यादा चलेगा यार अगर आप अच्छे से चलाओगे तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैंस फर्स्ट जो कि एंटेक का वॉर्टेक्स के साथ आता है। ये एंटेक का फ्यूजन ARG फैंस जो कि एक्चुअली में ARG फैंस है एंड इन फैंस का जो केबल्स है वो इनफ लॉन्ग है एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको 2 separate केबल्स देखने मिल जाता है हर एक फैन से, एक आपका PWM वायर है दूसरा आपका ARG वायर है एंड दोनों ही वायर्स आपको स्लीव डिजाइन में देखने मिल जाता है, विच इज अ ग्रेट प्लस पॉइंट ऑफ दिस AIO बिकॉज 10,000 रुपए का AIO है और यहाँ पर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का फैंस देखने को मिल रहा है विच इज ग्रेट। और जैसे कि दोनों चीज सेपरेट हैं तो आप यहाँ पर फैंस को अलग से PWM कंट्रोल कर सकते हो एंड अगर आप चाहते हो तो आप इसका जो RGB है उसको आप किसी भी तरीके का कंट्रोल में यूज कर सकते हो जो कि 3-pin ARGB हेडर को सपोर्ट करते हैं, चाहे आपका वो मदरबोर्ड हो गया, चाहे आपका वो डेडिकेटेड कंट्रोलर हो गया, कुछ मतलब थर्ड पार्टी कंट्रोलर हो गया, कोई भी ARGB कंट्रोलर से आप इसको सिंक कर सकते हो, विच इज अ ग्रेट फीचर एज इट्स नॉट प्रोप्राइटरी। और इन फैंस के RGB के तो भाई क्या कहने, क्या ही RGB है। इसका जो RGB है इतना डिफ्यूज लाइटिंग प्रोवाइड करता है ना कि आपका मन बहला देगा। सस्ते फैंस की तरह यहाँ पर आपको LED डिफ्यूजन में किसी भी तरह का हॉटस्पॉट देखने को नहीं मिलता है, विच इज ग्रेट। हालांकि विदाउट RGB यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक टिंटेड RGB डिफ्यूजन देखने को मिल जाता है, बट वंस यू टर्न ऑन द RGB नेक्स्ट लेवल RGB इन फैंस का, और यही जो चीज है ये आपके सेटअप को काफी प्रीमियम फील देगा। एक चीज मैंने नोटिस करा इन फैंस में कि ये जो फैंस है ये थोड़ा बहुत N60 का जो AR फैंस है उन फैंस से थोड़ा बहुत यहाँ पर इंस्पायर्ड है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। एंड पर फैन यहाँ पर आपको 16 LEDs देखना मिल जाता है, तो अगर आप कोई इसमें
इफेक्ट वगैरह डालोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो बहुत ही स्मूथली रन होगा या फिर स्मूथ दिखेगा। परफॉर्मेंस वाइज भी ये फैन काफी तगड़ा है, मिनिमम 600 आरपीएम से लेकर अप टू 2000 आरपीएम तक का मैक्सिमम स्पीड है इसका। तो कूलिंग भी काफी बढ़िया देता है जो कि आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में जरूर पता चलेगा। लेट्स टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन एंड एक्चुअल बिल्डिंग एक्सपीरियंस। तो एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करा है कि जितना सारा भी AIO आता है उसका जो AMD इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो काफी सिंपल एंड आसान सा होता है, और इस AIO के साथ भी सेम फंडा है। मैंने इस AIO को अपना राइजन 9 1500X के साथ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जो कि M4 सॉकेट का है, और M4 सॉकेट के साथ इस AIO को इंस्टॉल करना एकदम ईजी है, बिल्कुल आसान है, कोई बच्चा बच्चा कर सकता है। आपके मदरबोर्ड के साथ जो AMD का स्टॉक ब्रैकेट आता है उसी के साथ ये जो AIO है दो क्लिक के जरिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम लुक्स वाइज ये जो माउंटिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा चीप लगता है। इसके फैंस में आपको अच्छा खासा रबर पैडिंग देखना मिल जाता है, एंड रेडिएटर में इन फैंस को माउंट करने का जो प्रोसीजर है ना दैट इज सो सैटिस्फाइंग, बिकॉज इसका जो स्क्रूज है वो अपने फैंस के बीच में इतना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है जो कि आपके ओवरऑल बिल्ड को एंड ओवरऑल सेटअप को एक काफी क्लीन लुक देता है। प्लस जो छोटे छोटे अटेंशन टू डिटेल्स वाला चीजें हैं जैसे कि इसका स्क्रूज जो है यहाँ पर आपको ना ही ब्लैक में मिलता है, ना ही व्हाइट में मिलता है, ना ही सिल्वर कलर में मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डार्क टिंटेड स्क्रूज देखना मिल जाता है जो कि इस सेटअप के साथ या फिर इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ना उसका जो पंप है वहां पर आपको DC हेरेड देखना मिल जाता है, यानी कि आप इसका जो पंप स्पीड है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, क्योंकि पंप स्पीड जो है हमेशा मैक्स पर रहनी चाहिए। एंड एक सेपरेट ARGB हेरेड इसका पंप का जो RGB उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, दैट्स इट, बहुत ही क्लीन सेटअप है। बट नॉर्मली अगर आप इसका पंप को देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। बट भाई साहब, वंस यू टर्न ऑन द LED, वंस यू टर्न ऑन द RGB, माय गॉड, इट्स अ गॉड लाइक AIO, एंड मैंने आज तक इस तरीके का जो डिजाइन है वो मैंने किसी भी AIO में नहीं देखा है। सो ये Antique का टोटली यूनिक एंड ओरिजिनल डिजाइन है विच आई रियली लाइक्ड। द डिजाइन इज अग्रेसिव एंड इट्स अमेजिंग। इसका जो पंप डिजाइन है उसी को देखकर इस AIO का नाम रखा गया है मेरे हिसाब से, बिकॉज वोर्टेक्स मीन्स वो घूमने वाला तूफान, जो कि इस डिजाइन में बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आप फील कर सकते हो उस डिजाइन को। तो बेसिकली यहाँ पर लिक्विड का यहाँ पर वोर्टेक्स है विच इज मतलब बहुत ही अच्छा एक वाइब देता है लुक वाइज और माइंड वाइज। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सोचोगे तो इट मीन्स अ लॉट। सबसे बेस्ट भी होता है इफ यू सी इट फ्रॉम द मिडल, बट जैसे ही आप इसका साइड में जाते रहोगे वैसे इसका डिजाइन है वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। बचपन में वो जो कलर चेंजिंग वाला कार्ड्स होते हैं वो नहीं दिखा था, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत उस टाइप का यहाँ पर आपको वाइब मिलेगा विच इज ग्रेट, बट इट लुक्स डैम कूल। और ये AIO ऑलमोस्ट सारे PC के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा एंड यूनिक लगेगा। एंड इफ यू लाइक अग्रेसिव PC बिल्ड्स देन दिस इज द AIO फॉर योर नेक्स्ट बिल्ड। RGB मोड इज वेयर दिस पंप रियली शाइंस, बट आई थिंक अगर आप स्टैटिक व्हाइट कलर भी इसमें डालोगे तो वो जो है यार बहुत ही बढ़िया दिखेगा। रेडिएटर डिजाइन इसका काफी हद तक स्लिम है एंड थैंकफुली कोई फिन्स बेंड नहीं था इसमें, विच इज ग्रेट, एंड इट फिट्स परफेक्टली विद द लैंडकूल 216। बट आप इसको कोई भी 360M सपोर्टेड केस में यूज कर सकते हो विद ऑलमोस्ट एनी प्रोसेसर। तो सारे इधर उधर की बातें खत्म, लेट्स जंप इनटू द परफॉर्मेंस सेक्शन। कूलिंग परफॉर्मेंस कैसा है Antique Vortex 360 का? तो इसका जो रेटेड TDP है वो है अराउंड 280 वॉट्स का, विच इज गुड इनफ टू कूल एनी i5 i7 13 जनरेशन प्रोसेसर, बिकॉज जो 13 जनरेशन है सबको पता ही है प्रोसेसर जो है बहुत ज्यादा हीट होता है। और मैंने इस AIO को राइजन 9 1500 के साथ टेस्ट किया था जो कि एक काफी हाई एंड CPU है विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, एंड द रिजल्ट was great। मैंने इस AIO को साइलेंट फैन स्पीड यानी कि 25% फैन स्पीड पर भी टेस्ट किया है, और 25% फैन स्पीड पर मेरा जो 5900X था उसका जो आइडल टेम्परेचर था वो था अराउंड 45 डिग्री ओनली। जो एम्बिएंट रूम का टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर मैंने टेस्ट किया है वो था अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दिस इज समर। और बहुत सारे लोग फैन को लो RPM पर सेट करके यूज करते हैं अपने PC को, बिकॉज उनको जो फैन नॉइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस टेस्ट को किया है। और 25% फैन स्पीड पर मैंने जब 5900X को ADA64 से स्ट्रेस टेस्ट किया अराउंड 22-25 मिनट्स तक का, तो हमारा CPU का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा था वो जा रहा था ओनली एंड ओनली अराउंड 75 डिग्री, एकदम पीक टेम्परेचर, जो कि काफी अमेजिंग रिजल्ट है। फिर हमने फैन स्पीड को 50% पे किया यानी कि स्टैंडर्ड मोड पर, सेम चेस दोहराया, और इस बार आइडल टेम्परेचर पर किसी भी तरह का चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। बट जो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि जो स्ट्रेस टेस्ट है वहां पर हमें 2 डिग्रीज का ड्रॉप देखने को मिला है व्हेन सेटिंग द फैन स्पीड टू 50%। 75% फैन स्पीड पर हमारा जो आइडल टेम्परेचर है वो यहां पर 2 डिग्रीज ड्रॉप हुआ यानी कि 45 से 43 हुआ, एंड हमारा जो मैक्स टेम्परेचर था यानी कि जो स्ट्रेस टेस्ट टेम्परेचर था वो अराउंड 71 डिग्री तक का मैक्सिमम जा रहा था ओनली। दैट इज अ ग्रेट रिजल्ट। अगर आप 75% फैन स्पीड इस पर कर देते हो तो आपको जो है काफी अच्छा खासा कूलिंग मिलेगा। साइलेंट पर भी काफी अच्छा खासा कूलिंग है, बिकॉज 75 वर्सेस 71 इज नॉट अ बिग ड्रॉप।
तो यहाँ पर आप जो है इसको साइलेंट मोड पर यानी कि 25% फैन स्पीड पर भी यूज करोगे तो आपको एज सच कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और फाइनली हमने 100% फैन स्पीड पर यही टेस्ट को दोहराया एंड 100% फैन स्पीड पर हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अनचेंज रहा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है इस सीपीयू का अराउंड 71 डिग्री सेम, और आइडल टेम्परेचर था अराउंड 43-45 डिग्री ऑन 100% फैन स्पीड। हालांकि राइजन 9 5900X एक काफी पावरफुल सीपीयू तो है, बट साथ ही साथ ये जो सीपीयू है ये काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। तो अगर आप इस एआई को इंटेल का 13 जनरेशन i7 प्रोसेसर के साथ यहाँ पर लगाते हो तो आप यहाँ पर 80-83 डिग्री तक का यहाँ पर टेम्परेचर एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कूलर, विच इज नॉट बैड एट ऑल स्पेशली इन समर। और ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर एक्सट्रीम टेस्ट है, और हम लोग जो है अपने रियल लाइफ में जो एक्सट्रीम टेस्ट है वो यहाँ पर डेली बेसिस पर नहीं करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रियल लाइफ टेम्परेचर, यानी कि गेमिंग में ये जो AIO है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो मैंने अपने पीसी पर हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल रहा था इस AIO के साथ, और हमने देखा कि 75% फैन स्पीड पर हमारा जो सीपीयू है वो यहाँ पर जा रहा था सिर्फ 60-61 डिग्रीज तक का मैक्स, विच इज अ गुड रिजल्ट लुकिंग एट द प्रोसेसर ऑल्सो द AIO, बिकॉज AIO जो यहाँ पर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं टू कीप द टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल। अगेन अगर आप इंटेल 13 जनरेशन के साथ इसको यूज करने वाले हो तो आपका गेमिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 65-67 डिग्रीज तक का। बट स्टिल अगर हम लोग इस AIO का प्राइसिंग को देखें तो प्राइसिंग के हिसाब से एंटेक का ये जो वॉटेक्स 360 AIO है ये यार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो लुक इसका काफी यूनिक एंड टेस्टफुल है, विच इज ग्रेट विद ग्रेट क्वालिटी फैंस विद रिंग इल्यूमिनेशन एट दिस बजट। वैसे तो काफी बढ़िया कूलर है, बट अगर हम लोग स्टिल यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करें इस AIO को तो मुझे ऑनेस्टली इसका जो AMD माउंटिंग ब्रैकेट है वो यहाँ पर पसंद नहीं आया है। दैट लुक्स अ बिट चीप, नॉट द बिल्ड क्वालिटी दो, इट्स एक्चुअली द एस्थेटिक। अदर देन दैट द वॉटेक्स 360 AIO इज प्रीटी सॉलिड एंड यू कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस AIO फॉर योर इंटेल 13 जेन या फिर फॉर AMD 7000 सीरीज ओवर अदर ब्रांड्स। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, डू चेक दैट फॉर प्राइसिंग अपडेट। ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में अगर आप हमारे चैनल में नए होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो कभी, साथ में घंटा वाला आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। और मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही बजट फ्रेंडली ऑसम AIO के साथ, तब तक के लिए बाय।